वेलकम वेलकम बच्चों की दुनिया में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बना रहे हैं यखनी पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े का बनता है, रमज़ान स्पेशल है और आप लोग पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं और इफ्तार में स्पेशल सर्व कर सकते हैं, तो बहुत ही मज़े का होता है, बहुत ही जायकेदार होता है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। तो आइए देखते हैं कि ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और ये कैसे बनाए जाते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें ही सुबह 7 गिलास हम लोग लेंगे पानी, तो 1 गिलास हमारा यखनी में सूख जाएगा और फिर 6 गिलास हम लोग चावल में डाल देंगे। तो ये यखनी के लिए हाफ मीडियम साइज़ प्याज और कुछ अदरक और कुछ लहसुन, तो इनको हम लोगों ने बड़े साइज़ में काट लिए। 1 किलो 1 kg यानी कि 1 किलो हमें चाहिए होगा चिकन। 1 टमाटर लेंगे हम लोग मीडियम साइज़ का और 2 अदद नींबू लेंगे और 4 अदद हरी मिर्चें लगा दी। तो ये हमारे पास है 1 बड़े साइज़ की प्याज और इसे हम लोगों ने काट लिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। 1 प्याली हम लोग लेंगे दही, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे नमक, 3 टेबल स्पून हम लोग लेंगे मिक्स अचार, 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच काली मिर्च साबुत, 1 प्याली हम लोग लेंगे ऑयल, 1 टेबल स्पून यानी कि 1 चम्मच ज़ीरा, 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे चाट मसाला और 1/2 टेबल स्पून हम लोग लेंगे हल्दी पाउडर, 2 हम लोग लेंगे कड़ी पत्ते और इन्हें हम लोग को स्पॉट पीसेस में काट लिए और एक को हम लोग यखनी में डालेंगे और एक को चावल में, 4 अदद इलायची सब्ज़ी इलायची, आप चाहें तो काली इलायची भी ऐड कर सकते हैं, तो 10 अदद हम लोगों ने लिए लौंग, 1 टेबल स्पून लेने के चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच सौंफ। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम लोग लेंगे 3 गिलास चावल, तो 6 गिलास हमारा पानी है तो इसलिए 3 गिलास हम लोग चावल लेंगे और इन्हें भिगो के रख दिया था। सोवर्स ले लेंगे हम लोग किसी भी साइज़ की कढ़ाई और उसके अंदर ऐड करेंगे पानी और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन ऐड करेंगे तो बारी बारी हम लोग सारा ऐड कर देंगे। सोवर्स चिकन हम लोगों ने सारा ऐड कर दिया, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज अदरक और लहसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो प्याज अदरक और लहसुन हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं। कोफ्ता पत्ते ऐड करेंगे, 1/2 हम लोग ऐड कर देंगे कड़ी पत्ते, मेरे मुंह से बार बार कोफ्ता पत्ते निकल जाते हैं। ऐड करेंगे हम लोग काली मिर्च साबुत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड करेंगे हम लोग क्यूमिन यानी कि ज़ीरा, तो 1/2 हम लोग ऐड कर देंगे और 1/2 हम लोगों ने छोड़ दिया, जैसा कि आप देख सकते हैं। सूखा धनिया हम लोग आधा ऐड करेंगे और सौंफ हम लोग सारा ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक, तो अब हम इसे इतना पकाएंगे कि इसमें से एक गिलास पानी सूख जाए। अब इसको इतना पकाएंगे कि 1 गिलास पानी सूख जाए और फिर हमारे 6 गिलास पानी रह जाएगा, तो चलिए मिलते हैं जब हमारा 1 गिलास पानी सूख जाएगा। सोवेज ढक्कन डालेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा सूखने पे आ चुका है, तो मैंने बस आपको एक व्यू दिखाना था। तो अब ये 1 गिलास हम लोग इसका पानी पूरा कम करेंगे, तो अब फिर आपसे मिलते हैं। सोवेज यखनी हमारी रेडी हो रही है, तो इस तरफ को हम लोग तड़का लगाना शुरू कर देंगे। तो एक देगची ले लेंगे और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ऑयल ऐड कर देंगे। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज ऐड कर देंगे और अब इसका कलर चेंज करेंगे हम लोग, तकरीबन लाइट सा ब्राउन करेंगे कलर। तो फ्लेम हम लोग नीचे से मीडियम रखेंगे, तो प्याज हमारे ब्राउन हो रहे हैं तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ते, तो कड़ी पत्ते के साथ हम लोग ऐड करेंगे लौंग
और इलायची। तो अब हम ऐड करेंगे सिर्फ ज़ीरा और ये तीन चीज़ दो चीज़ें जो है बच गई, ये हम लोग आगे ऐड करेंगे अगले चंद ही स्टेप्स में। हम लोग ये ऐड करेंगे चाट मसाला और हल्दी। तो ऐड करेंगे हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करेंगे हम लोग साबुत सूखा धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे दराड़े मिर्च यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। और अब ऐड करेंगे चाट मसाला और हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मिक्स कर लेंगे। अब हम लोग पानी का छिड़काव करेंगे। तो ऐड करेंगे टमाटर और साबुत हरी मिर्ची जिनके अंदर हम लोगों ने कटलेट डाली हैं। तो अब हम लोग तब तक पकाएंगे जब तक कि टमाटर अपना पानी ना छोड़ दे और वो सूख जाए। तो बस यखनी भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम लोग यखनी से चिकन निकाल लेंगे और इस अपने सालन के अंदर ऐड करेंगे जो हम लोग ये तैयार कर रहे हैं मसाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन का कलर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चेंज हो चुका है। तो अब हम लोग अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भूनेंगे चम्मच हिलाते हुए बगैर ढक के। तो 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे योगर्ट यानी कि दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिक्स कर लेंगे। तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, जायका बहुत ही अच्छा होता है और बिरयानी के अंदर एक अलग सी खटास और एक अलग बेहतरीन जायका पैदा होता है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे मिक्स पिकल यानी कि अचार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम लोग मिक्स कर लेंगे। तो हम इसके अंदर यखनी ऐड करेंगे और जो अदरक वगैरह हम लोग इसके अंदर डाला था उस सब के समेत ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शोर ज़रा कम हो गया। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 गिलास पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यखनी बनाने में चूंकि 1 गिलास सूख गया था पानी तो इसलिए हम 1 गिलास और ऐड करेंगे। यहाँ पे आके हम लोग नमक टेस्ट करेंगे। सो बस यहाँ पे आप लोगों ने टेस्ट करना है क्योंकि अगर यहाँ पे नमक कम हुआ तो डेफिनेटली चावल में भी नमक कम होगा। तो मेरा नमक थोड़ा सा कम है तो इसलिए जायके के मुताबिक मैं थोड़ा सा और ऐड करूँगा, आप भी जायके के मुताबिक और ऐड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह पानी में हमारा बॉयल हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल ऐड करेंगे। तो इन्हें हम लोगों ने भिगो के रख दिया था। तो अब हम लोग पानी निचोड़ लेंगे और चावल ऐड कर देंगे। तो सारे चावल हम लोग ऐड कर देंगे। सो बस चावल हम लोगों ने ऐड कर लिया। अब हम लोग अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसका पानी सूखने तक इसको पकाएंगे ढककर। तो अब चलिए तब मिलते हैं जब इसका पानी मुकम्मल तरीके से सूख जाएगा। सो बस अल्हम्दुलिल्लाह पानी हमारा सूखने पे आ रहा है। तो अब हम लोग दम लगाएंगे। तो देखिए के ढक्कन के ऊपर हम लोगों ने रुमाल चढ़ा लिया। तो अब हम ढक्कन रख देंगे। व्यूवर्स पानी हम लोगों ने अच्छे तरीके से खुश करना है। जब अच्छे तरीके से पानी खुश हो जाएगा फिर हम लोग दम लगाएंगे 10 मिनट के लिए। तो बस दम लगाने से पहले मैं चावलों के ऊपर नींबू निचोड़ लूँगा ताकि हमारे चावल एकदम दानेदार हो जाए, हमारा पिशावरी चटपट पुलाव यखनी पुलाव पिशावरी चटपटा यखनी पुलाव एकदम दानेदार हो जाए। तो नींबू निचोड़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो एक लेमन मैंने निचोड़ा है। तो अब हम लोग दम लगानेंगे, लगा लेंगे दम और ढक्कन रख देंगे ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब मिलते हैं 10 मिनट बाद। तो अब हम इसके ऊपर कोई सी भी भारी चीज़ रख देंगे और फिर इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे, इस तरह दम लगा लेंगे। तो अब मिलते हैं 10 मिनट बाद। सो व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम लोग ढक्कन डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, कितने ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं चावल, कितने ही ज़बरदस्त तैयार हुए हमारे पिशावरी चटपटा यखनी पुलाव। सो व्यूअर्स, चावल हमारे बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुए हैं और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो अब हम लोग इसे किसी भी डिश में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रे में निकाल लेंगे हम लोग। सो व्यूअर्स, तैयार है हमारे पिशावरी चटपटा यखनी पुलाव और बहुत ही मज़े के बने हैं हमारे पुलाव। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो इसी के साथ बच्चों की दुनिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़।